अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम फिश मैखलिया बना रहे, जो हैदराबादी बहुत मशहूर है, बहुत टेस्टी बनने वाला है। जिसके लिए हम राव फिश ले लिए 1 किलो। इसको साफ धो के हम रख लिए नमक के पानी में। तिल लिए 50 ग्राम, हल्दी लिए 50 ग्राम, खोपरा लिए 50 ग्राम। इसको रोस्ट करके हम पीस लेंगे। धनिया लिए हम 2 चमचे, जीरा लिए हम 2 चमचे, इसको भी रोस्ट करके पीस लेंगे। मिर्ची लिए 2 चमचे, मसाले में डालेंगे मिर्ची पाउडर। नमक लिए 2 चमचे, हल्दी आधा चमचा, और ये किचन किंग मसाला है 1 चमचा। अदरक लहसुन लिए 2 चमचे, जीरा लिए 2 चमचे, राई कलौंजी मिला के लिए 2 मिर्ची लिए सूखे वाले, तेज पत्ता लिए, ये बघार के लिए है। प्याज लिए 1/2 किलो हम, इसको भी फ्राई करके डालेंगे। हरा मसाला है करियापाक, कोथमीर, हरी मिर्ची, और ये इमली का खट्टा है जो हम निकाल के रख लिए, ये 100 ग्राम है। खट्टा अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाला हम लिए, अभी फिश को लगाएंगे हम। 1 चमचा अदरक लहसुन लिए, आधा चमचा मिर्ची लिए पाउडर, और आधा चमचा हल्दी लिए, आधा चमचा नमक लिए, और ज़ीरा पाउडर लिए थोड़ा सा। अभी इसको हम लगा लेंगे। अभी ये सारा हम मिक्स कर लिए अच्छे से। इसको एक एक पीस उठाएंगे हम और इस पर लगाते जाएंगे। इस तरह से लगा के हम इसको फ्राई करेंगे। आधा घंटा रख देंगे लगा के हम, ताकि नमक इसके अंदर चले जाए अच्छे से। एक पैन रख लिए हम, इसमें फ्राई कर लेंगे फिश। इधर एक हांडी रख लिए हम, नॉन स्टिक है ये, इसमें तेल डालेंगे 100 ग्राम, मसाला बना लेंगे। हम जीरा, राई, कलौंजी, जो भी हमारे मसाले थे डाल लिए इसमें। इसको हल्का लाल होने देंगे, फिर हम अदरक लहसुन डालेंगे। जीरा लाल हो गया हमारा, अदरक लहसुन डाल लेंगे। हिलाते हुए फ्राई करेंगे। हमारा अदरक लहसुन लाल हो गया, मिर्ची, नमक, हल्दी सब डाल लेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स करके मसाला भी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट से हम इसी तरह से ढाप के धीमी आंच पे बना रहे। देखिए, अभी देख लेंगे हम इसको भूनते हुए। हमको इसको पकाना है मसाले को, इसकी कच्ची बो गए तक। इसी तरह से हम और 10 मिनट पका लेंगे। हमारे 10 मिनट हो गए पकते हुए, और इसमें अब हम खट्टा डाल लेंगे। खट्टा कम ज़्यादा अपने पे है, कम डाले या ज़्यादा डाले। मैं 100 ग्राम इमली का डाली। इसको पकने देंगे इसी तरह से, और इसमें मच्छी भी डाल लेंगे हम। एक एक करके हम इसके अंदर छोड़ेंगे। फ्राई हो गई हमारी मच्छी ऐसे अच्छे से, इस तरह से। अभी इसको हल्के हाथों से हम हिलाएंगे,
गाढ़ा रखना पतला रखना अपने पे है, मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। और 10 मिनट इसी तरह से हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हरा मसाला भी डाल लेंगे हम। नमक देख लेंगे कम या ज़्यादा, इसको छोड़ देंगे इस 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हम छोड़ दिए थे दम होने के लिए। माशाल्लाह देखिए हमारा मैखलिया अभी तैयार है, फिश मैखलिया बहुत अच्छे से पक गया है। इसको हम इसी तरह से 5 मिनट और रखेंगे फिर डिश आउट करेंगे। 60 मिनट में हमारा मैखलिया बनके तैयार है, हैदराबादी मैखलिया। आप लोग भी बनाइए, बहुत भी बहुत टेस्टी बनता है ये। अभी हम डिश आउट करेंगे, 10 से 15 मिनट हम छोड़ दिए थे इसको दम पे ताकि खट्टे की बो चले जाए। अभी हम निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा हैदराबादी फिश मैखलिया बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी ज़रूर बनाइए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपनों में, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जज़ाकअल्लाह।